करम से जमाने में बात है, आजा तेरे करम से जमाने में बात है। या गरीब नवाज ख्वाजा जी, आजा तेरे करम से जमाने में बात है। बंदे को नाज है कि तू बंदा नवाज है। तेरी रहमतों का दरिया आजा, 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 तेरी रहमतों का दरिया सरे आम चल रहा
तेरा 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 कदम कदम चमका दिए है तूने मुकद्दर के सितारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। महला फैजपुरे में हज़रत ख्वाजा अबुल फज़ल रहमतुल्लाह अलैह का 565वां उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहाँ पे खाने के लिए जो तकलीफ़ होती थी दंगल के लिए, ये शादी खाना बनने से लोगों को बहुत सहूलत हो गई खाने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए। दो साल से बहुत सहूलत है। इससे पहले अगर पानी पड़ा तो भाग जाना पड़ता था, बैठने की जगह नहीं मिलती थी, तरीके से नहीं मिलता था। शादी खाना बनने से ज़ायरीन को सहूलत हो गई है, ख़ासकर फैजपुरे वालों को भी सहूलत हो गई है। और फैजपुरा एक बैकवर्ड एरिया है, यहाँ के एमएलए एमपी का काम है मुसलमानों के लिए शादी महल एक शादी खाना बनाए, लेकिन वो लोग बनाए नहीं। ये काम माली भाई कर रहे हैं और ये शादी खाने को आबाद करें। ये शादी खाना बनने से गरीब आदमी के 5-10 हज़ार रुपये बच रहे हैं। दूसरे शादी खाने को गए तो 10-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ये कम से कम लेके सहूलत दे रहे हैं यहाँ के लोगों को, और माली भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मेरे तरफ से, और फैजपुरे वालों को और सबको। इतनी सहूलत हो रही है, गरीबी ज़िंदगी में शादी करना बहुत मुश्किल है, शादी खाना लेना मुश्किल है। कहीं शादी खाने में दूसरे 20-10 हज़ार बोल रहे हैं। ये शादी खाना बनने से गरीबों को सहूलत हो रही है और 10-20 हज़ार रुपये बच रहे हैं। और ये कोई मांग नहीं है यहाँ पे शादी करने के लिए, जितना दिए उतना ले लेते हैं। ये देखिए 6-7 हज़ार लेते हैं, लेकिन देने वाले 2,500 भी देते हैं, 3,000 भी देते हैं। कोई गरीब यतीम आया तो फ्री भी करते हैं। ऐसा नहीं कि 10 दो, 20 दो, 25 दो, 50 दो, ऐसा कुछ नहीं है। 2,500-3,000 भी दिए तो गरीब यतीम के ले लेते, या 6-7 हज़ार भी देते हैं, उनका भी खर्चा है, लाइट का बिल है, जगह का है, लोगों को काम करने वाले है, पूरा फ्री बोले तो भी नहीं होता। कम से जी बेशक बहुत सहूलत हो रही है गरीबों के लिए। 10-5 हज़ार रुपये बच जा रही गरीब के। और एमएलए एमपी जो काम करने का है वो माली भाई करके जो सहूलत पहुँचाएं, नहीं तो यहाँ के लोगों को आगे जाना पड़ता था। लोग गरीबों के लिए बोल के शादी खाना चला रहे हैं, 10-20-25 हज़ार रुपये ले रहे हैं। ये शादी खाने में 5,000-6,000-7,000-3,000 भी देने वाले है, 3,000 भी देखो भी शादियाँ करी हैं यहाँ पे। अरे बहुत सहूलत है ये यहाँ पे शादी खाना बनने से। कोई लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं बनना था बोल रहे हैं, वो गलत बात है। शादी खाना बन के बहुत अच्छा हुआ और ख़ासकर ज़ायरीन के लिए बहुत सहूलत है। औरतें पहले मैं देखता था दंगल का खाना खिला रहे बोले तो औरतें एक के ऊपर एक गिरते थे, मार लेते, तोड़ लेते थे, जगह नहीं मिलती थी, पानी नहीं मिलती थी, बैठने को नहीं मिलता था, पानी आया तो भाग जाते, हवा आए तो भाग जाते थे। अब ये बनने शादी खाना बनने से बैठने के लिए, खाने के लिए औरतों को भी सहूलत हो रही है और आदमियों को भी, ज़ायरीन को भी बहुत सहूलत हो गई है। और इससे ज़्यादा इन्हीं टाइम भी 10 हज़ार भी अगर लोग बैठ के खाए तो खा सकते हैं, 10 हज़ार भी बैठ के खा सकते हैं लोग यहाँ पे। और बहुत सहूलत हो रही है ज़ायरीन के लिए, बहुत जो दूर से आए हैं हैदराबाद, राजस्थान, जहाँ से भी ज़ायरीन आए उनके लिए बहुत सहूलत है ये शादी खाने में। मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम है, मैं जामा मस्जिद चौबारे से हूँ। आज हर एक को सुकून है और सही इंतज़ाम होता है। आज 565वां उर्स शरीफ था हज़रत ख्वाजा अबुल फज़ल रहमतुल्लाह अलैह का, बड़े अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पब्लिक है यहाँ पे, 10-20 हज़ार के करीब पब्लिक है। और आज खाने के 2 साल से ताम का इंतज़ाम यही फंक्शन हॉल में किया जा रहा है। लोगों को आने जाने की बहुत तकलीफ़ होती थी, अब इस बार बहुत सहूलत हो गई फंक्शन हॉल बने जब से। दो साल पहले बहुत तकलीफ़ थी। 2021 और 2022 से औरतों को, बच्चों को,
आदमियों को, बाहर के आने वाले जाने वालों को, ज़ायरीन को, सबको तकलीफ होती थी। 2021-2022 से बहुत सहूलत हो गई, लोग यहीं पे रह रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे। ऐसा लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन में तो पूरे लोग इधर ही थे, फंक्शन हॉल में ही थे। तो यहाँ पे शादी खाना बनने से सहूलत हो गई लेकिन बोल के लोग तो कह रहे हैं जी, लेकिन आप जो इंतजाम करें आपकी तरफ से ही करे थे जी? जी नहीं, फंक्शन हॉल तो पूरा हमारी तरफ से ही था, फ्री था। संदल के लिए 3 दिन हम दे देते, और जो भी खाने का इंतज़ाम हुए है सब साहब की तरफ से, उनके मुरीदीन की तरफ से, कोतालम के साहब की तरफ से। लंगर चलता है यहाँ, हज़ारों की तादाद में खाना खाते, कभी किसी को कम नहीं पड़ता। अब वो मेरा नाम मोहम्मद उमेर है, डीएसएस अध्यक्ष हूँ मैं।